नमस्ते दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मुझे इस समय देख रहे हैं। आप सबको मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज यहाँ पर आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और उस समय से लेके अभी तक की जो इतने सब्सक्राइबर भी मेरे आ सके, किस तरह से मैंने वर्क किया है अपनी वीडियो पे और कैसे कैसे क्या 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 वीडियो मैं देखती थी और पूरा दिन मेरा कैसा जाता था, किस तरह से क्या महसूस किया है मैंने उस समय से लेकर अभी तक की जर्नी मैं आपको वर्बली बताऊंगी। और कुछ कुछ वीडियो जो मैंने है उस समय लोगों ने फोटो खींच रखी थी, वीडियो बना दी थी, उस समय का भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा मतलब महसूस होता था जब मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे, जब मेरी वीडियो वायरल नहीं होती थी, इवन जब क्या आज भी नहीं वायरल होती है और सब्सक्राइबर भी बहुत स्लोली स्लोली बढ़ रहे हैं, तो जो टेंशन, किस तरह की टेंशन होती थी मेरे साथ, मैं मतलब किस तरह से हताश परेशान रोज़ ये सोचती थी कि आज आज अब मैं नहीं बनाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो वो जो पेन था कि अब नहीं वीडियो बननी है, मैं नहीं बनाऊंगी और अब ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ना मुझे कोई देखता है, ना कोई पसंद करता है, क्या फ़ायदा। तो उस समय तो बहुत गुस्सा आती थी, लेकिन आज मतलब ये सब चीज़ों को भूल करके कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, ठीक है मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपना वीडियो बनाती हूँ और ऊपर वाले ने चाहा तो आज नहीं तो कल कभी तो वायरल होगी, जब वायरल होगी तब लोग देख लेंगे। तो ये सोच के आज ये ऐसा लगता है कि चलो यार, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मेरे जैसे आप जैसे जाने कितने लाखों करोड़ों लोग यूट्यूबर बने हुए हैं, यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं, तो और उन्होंने जाने कितना समय दे रखा है तब जाके आज वो सक्सेस हुए हैं, जाने क्या क्या उन्होंने भी अपने पराए लोगों से क्या क्या बात। जब इंसान कोई चीज़ नई शुरुआत करता है ना, तो सबसे पहले पैर उनका कौन खींचता है, उनके ही घर वाले कमेंट करते हैं उनका पैर खींचते हैं कि वो आगे ना बढ़े और उल्टे सीधे कमेंट करना, तो इन सब चीज़ों को झेल करके कहाँ अब आगे आए हैं, तो अब उन्हें उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जब समझ में आई मुझे, तो रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे तो अभी सिर्फ एक महीना हुआ है, एक महीने, इससे पहले मेरा एक दिव्यांश बस्ती स्टेशन के नाम से ही चैनल था जो मैंने 4 से 5 महीने उस पर वर्क किया था, लेकिन वो किसी कारणवश डिसेबल हो गया, ठीक है। तो मेरे 5 महीने तो वो चले गए, प्लस अभी ये मैंने नया चैनल बनाया हुआ है, इसको मैं अभी 1 मंथ हो गया, जनवरी में मैंने बनाया था, जनवरी की 6 तारीख में शायद बनाया था, क्योंकि ये डिसेबल हो गया था तो तब मैंने बनाया, तब से लेके 1 महीना हो गया इस, लेकिन 1 महीने के बीच में तो अब मेरे एक्सपीरियंस क्या हुआ, 6 महीने का तो था क्योंकि 6 महीने पहले मैंने बनाया हुआ था, तो उस पर जब मैंने इस पर वर्क किया तो उसमें सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, वीडियो वायरल नहीं हो रही, कभी 2 व्यू, कभी 3 व्यू, कभी 4 व्यू, फिर मैं बहुत टेंशन में आ रही थी, मतलब ये था कि देखिए चश्मा चढ़ गया, इतनी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख डाली कि कैसे मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँ, कैसे मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ, क्या करूँ, मैंने हज़ारों वीडियो मैंने देख डाली होगी, पूरा पूरा दिन मेरा, आप सोचिए कि मेरा 199 का रिचार्ज होता था, अब तो खैर बढ़ा लिया है मैंने, उसमें सिर्फ हमको मुझको 1 GB मिलता था जिसमें मेरे बच्चे को भी देखना है और मुझे भी देखना है और अपलोड वगैरह भी करने, तो कैसे मैनेज करती थी मैं वो मैं ही जानती हूँ कि वो 1 GB में मुझे पूरा दिन चलाना है, कैसे मैनेज करना है। तो अब इतना टेंशन हो जाती थी, दुनिया भर की वीडियो मैंने देख डाली होगी कि कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, कैसे नंबर वेरीफाई करें, कैसे क्या है, मतलब जो मैंने 6 महीने पहले किया था वो मैंने इस महीने भी किया कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि लिपसिंग करने से ही वीडियो वायरल नहीं हो जाती, तो खाली लिपसिंग मैं ही तो नहीं करती हूँ, ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनके खाली लिपसिंग ही कर रहे हैं, सॉन्ग पर लिपसिंग करती और मिलियंस में उनके व्यूज़ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई, लिपसिंग तो मैं भी कर रही हूँ, लेकिन होता है ना कुछ किस्मत डेस्टिनी भी कुछ होती है कि नहीं हुई, नहीं हो रही है वायरल, यहाँ व्यूज़ ही नहीं बढ़ रहे हैं और बहुत हताश और परेशान हो जाती थी, मतलब कुछ वीडियोस मेरी खुद की अपनी जो मेरे बच्चे ने रिकॉर्ड कर दी थी कि मम्मी दुनिया भर के वीडियो दे डाल रही है, और सर में बाम लगा के मैं सो जाती थी, सर में बाम लगा के मैं सो गई और फिर जब उठी तो फिर मोबाइल हाथ में ले लिया कि ऐसी मतलब मैं क्या करूं कि मेरे सब्सक्राइबर और मेरा वॉच टाइम ये सब जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, मतलब तुरंत ये चाहती थी कि बस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए और मैं भी जल्दी सक्सेस हो जाऊँ। तो इतना इसी तो नहीं है, क्योंकि इतने सारे करोड़ों के लोग में यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, इतना आसान है क्या कि तुरंत ही तुरंत वायरल होने लगे, नहीं दोस्तों इतना आसान नहीं है, बहुत हार्ड वर्क करना है, क्योंकि उन करोड़ों लोगों के बीच में अपना नाम लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे कि मैं एक दो दो तीन यूट्यूबर हैं जिनकी वीडियो मैं बहुत देखती हूँ, क्योंकि अब
एक चीज़ बताते हैं, अच्छी बताते हैं, क्या बताते हैं, लेकिन हाँ जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और मैं वो करने की कोशिश भी करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें को मैंने नोटिस किया है कि कहीं कहीं पे वो चीज़ें ऐसी बताते हैं, पहले तो कुछ वीडियो में बताएंगे कि नहीं करना है, फिर कुछ वीडियो में बताएंगे करना है, तो लगता है कि यार अपने केवल वॉच टाइम और ये सब कराने के चक्कर में ये लोग इतना बोल देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो अपने दिमाग से काम करना है ना कि क्या चीज़ सही है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग सिर्फ आपसे बातचीत करने के लिए मैंने बनाया है और इसका इस वीडियो का कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि किस तरह से क्या महसूस किया इधर एक महीने में, कितना खुद को मैंने प्रताड़ना दी है और खुद ही टेंशन में ही रही हूँ कि कैसे क्या करूँ कि हाँ लोग मुझे भी जाने, मेरी वीडियो की भी वॉच करें। तो इस वीडियो का आगे तो कोई मकसद नहीं था कि किस तरह का है, बस एक वन टू वन आपसे मेरी बातचीत करने का एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है इसलिए मैंने। तो मैं आपको अपनी थोड़ी क्लिप्स दिखाती हूँ जो मेरे बच्चे ने मुझे मतलब बना दी थी कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, तो उस समय कैसा था मैं दिखाती हूँ। तो देख रहे हैं देखो दोस्तों कि मैं किस तरह से परेशान हो जाती थी। तो बस यही है कि आप अपना वर्क करते रहिए तो हो सकता है कि अभी नहीं इन केस फ्यूचर में हमारा हम दो लोगों का वीडियो वायरल हो, क्योंकि जो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों करोड़ों मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं, यार उनको उनके भी तो कभी ज़ीरो रहे होंगे, कभी उनके भी तो व्यूज़ नहीं आते होंगे कि ऐसा नहीं कि उन्होंने चैनल बनाया और इतने फेमस हैं कि डालते चल गए। भैया ऐसा तो तभी होता है जब वो क्या बोलते कोई सेलिब्रिटी हो, ठीक है, या लोग उन्हें पहले से जानते हों या वैसे कोई नाम कमा रखा हो। लेकिन हम आप जैसे यूट्यूबर्स जो हैं जो जिन्हों कोई जानता नहीं है और अब वो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, तो थोड़ा वक्त तो देना ही पड़ेगा। तुरंत के तुरंत कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो पुराने यूट्यूबर्स हैं जिनके अब हम देखते हैं कि उन्होंने वीडियो डाली, दो दिन के अंदर 30,000 37,000 40,000 50,000 व्यूज आ जाते हैं और प्रोफाइल आप चेक करिए तो उसमें मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो ऐसे नहीं आए होंगे, एक दो दिन में नहीं बने होंगे, उन्होंने भी काफ़ी वक्त दिया है तब जाके आज वो अर्निंग यूट्यूब से कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने जो वो वक्त दिया उनका बेनिफिट उनको आज मिल रहा है, क्योंकि उनको उनके शॉर्ट्स से, उनके वीडियोज़ से उनको पैसे मिल रहे हैं। अभी कितने सारे यूट्यूबर्स ने यूट्यूब ये वीडियो डाली है कि आप लोग भी पैसे कमा सकते हैं शॉर्ट्स से और वीडियो से, ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए, सेटिंग आ गई हैं। तो फैक्ट ये है, हाँ सेटिंग आ गई हैं, बिल्कुल आ गई हैं, उन्होंने बताया वो भी सही है, लेकिन एक चीज़ बताना भूल गए कि ये चीज़ें उनके लिए जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया है या मोनेटाइज होने वाला है, जिन्होंने अपना टारगेट पूरा अचीव कर लिया है, सिर्फ उनके लिए। अभी तो हमारे सब्सक्राइबर ही नहीं है, वॉच टाइम ही कंप्लीट नहीं है, 4,000 घंटे बड़ी बात होती है, वही कंप्लीट नहीं है, तो सेटिंग्स कहाँ से करेंगे और कहाँ से मोनेटाइजेशन लाएंगे? और केवल बैनर देख करके उनका जो लोग बनाते हैं अपना प्रोफाइल पेज देख करके, बैनर देख करके तो अच्छा मोनेटाइजेशन हो गया, पैसे मिलेंगे, हम लोग जाके उनको क्लिक कर देते हैं और तुरंत देखने लगते हैं। और बाद में क्या पता चलता है, लास्ट में कई पता चलता है कि अरे ये तो उनके लिए है जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया है, अब उनको भैया पैसे मिलेंगे, हमें तो मिलेंगे नहीं, हमें तो तब मिलेंगे ना जब हमारे टारगेट अचीव हो गया। तो ये सब वीडियो देखने से पहले हम अपना टारगेट क्यों ना अचीव कर लेते हैं, टारगेट अचीव कर लेते हैं फिर क्या करना है, तब ये सब वीडियो देखते हैं। और उसके बाद फिर YT स्टूडियो, आपने सुना ही होगा YT स्टूडियो में सारी इन्फॉर्मेशन है ही है। और उस जब आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला होता है तो खुद आपको मेल के थ्रू YouTube मेल करता है और आप YT स्टूडियो पे भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, उसको सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना होता है कि आपके उनके लीगल कंडीशन जो भी है YouTube की वो एक्सेप्ट है, तो फिर वो आगे प्रोसेस करते हैं। तो वो धीमे धीमे ही सब कुछ आता है। आप देखिए कि वीडियो तो बहुत सारी बनी हुई है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये उनके लिए है जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया है या मोनेटाइज होने वाला है। क्योंकि मेरी वीडियो, मैंने भी तो बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, आप लोगों ने भी डाली हुई हैं जो अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आपने भी तो वो सब किया हुआ है, लेकिन अभी वो ऑप्शन नहीं आया, अभी नहीं आया ना। जब भी हम उसको YT स्टूडियो में ओपन करते हैं, कुछ देखते हैं, तो उसमें लिखा साफ साफ बताया हुआ है कि आपका ये जब आप यूट्यूब का पार्टनर मेंबरशिप मेंबर बन जाएंगे, ठीक है, उस पर एलिजिबल हो जाएंगे, उसकी क्राइटेरिया लिखी हुई है, वो सब कंप्लीट कर लेंगे तब होगा, अभी नहीं होगा, ये उनके लिए है जिन्होंने कर लिया।
दोस्तों, ये मेरी जो छोटी सी बातचीत आपके साथ हुई है मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको भी मेरी बातें और छोटी सी जो बातचीत जो हमारा मंटून हुआ है अगर आपको अच्छा लगा हुआ है, तो मैं आशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ दिव्यांश मस्ती स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। और आपने जो इतना कीमती वक्त मुझे दिया है भाई, 24 घंटे होते हैं जिसमें आपके बहुत सारे काम होते हैं, उसमें थक हार के आप आते हैं या बच्चे जो स्कूल से आ रहे हैं मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने जो 10 मिनट मुझे दिए ना, उसका दिल से शुक्रिया कर रही हूँ। वो 10 मिनट आपके बहुत कीमती मेरे लिए। थैंक यू सो मच।